दर्दर में ला के दो, हमारी बोल चला के दो, उनकी बेइज्जती बंद करो, बंद करो, बंद करो, उनकी बेइज्जती बंद करो, बंद करो, बंद करो, उनकी बेइज्जती बंद करो, बंद करो, बंद करो, उनकी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उलमा सिर्फ उनके थोड़ी है, आलिमों की इज्जत हम भी जानते हैं। जुल्म करोगे तो जुल्म करेंगे, सितम करोगे तो सितम करेंगे। तुम्हारी तरह हम भी इंसान है, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। कर्म करोगे कर्म करेगी, कर्म करोगे कर्म करेगे, सितम करोगे सितम करोगे। हम आदमी है तुम्हारे जैसे, तो तुम करोगे वो हम करेंगे। जब अंदर रहता है जब अंदर रहता हो, अभी तो ये अंग्राई है, अभी तो ये अंग्राई है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे साहब होश में आओ, होश में आओ। अरे साहब लट्टू मुझे बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे लट्टू देने बंद करो, बंद करो, बंद करो। साहब काम करो, काम करो। यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग खड़े हैं, मैं आपको इतना कर दूं, अगर कोई अधिकारी नहीं आ रहा होगा ऐसा पूछ लो, तो मेरे को रोड जाम करने के लिए आसानी रहेगी। क्या बात है, अली आगे फिर ऐसा होगा कि मैं तब तक काम चालू नहीं रखते, फिर उठूंगा नहीं, मैं बीच रोड में बैठ जाऊंगा। मैं आपको पहले इतना दे रहा, मैंने कारपोरेशन के अंदर भी लेटर दिया हूँ, इन्फॉर्म करा हूँ, अगर वो लोग नहीं आए और काम चालू का अगर यहाँ के लोगों को अगर आश्वासन नहीं दिया तो मैं रोड में बैठ जाऊंगा, तो कितनी भी ट्रैफिक हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। बाजी आ रहा है, बाजी आ रहा है। आज यहाँ पर जो हमारा धरना जो दिया गया है इस रोड के ताल्लुक से, आजाद नगर पुलिस स्टेशन से लेके हाईवे तक ये बायकादा इस रोड की मंजूरी है, और शहर के अंदर कई रोडों की मंजूरी है, और ये किसी के जाति पैसे से रोड नहीं बन रहा, ये हुकूमत का फंड है, कारपोरेशन का फंड है, किसी एमएलए का फंड नहीं है। ये आप लोग अपने दिमाग में डाल लो, पहले महाराष्ट्र हुकूमत का फंड है और 30% म्युनिसिपल कारपोरेशन का फंड है। जब 100 करोड़ रुपए की मंजूरी आई थी इस शहर के अंदर बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, हमारे शहर के एमएलए साहब ने बड़ा बोर्ड लगाया था, 100 करोड़ रुपए की मंजूरी शहर के अंदर। लेकिन आप लोग को शायद पता नहीं है, जब 100 करोड़ रुपए का जब बजट आया महाराष्ट्र हुकूमत से, तो कारपोरेशन का 30 करोड़ रुपया उसके अंदर लगना था और 70 करोड़ रुपया महाराष्ट्र हुकूमत का। जब 30 करोड़ रुपया जब हमारा लग रहा कारपोरेशन का, तो हमारे हिस्से में सिर्फ 7 करोड़ रुपया आया, 7 करोड़ रुपया हमारे शहर के अंदर, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते कि नदी के उस पार का इलाका कैसे डेवलप हो। वो दादा मुझे साहब उनको जैसा बोलेंगे वो ऐसे ही नाचेंगे। वो जैसे होता है ना मदारी, एक बंदर का जब खेल बताता है तो मदारी जब बंदर को जब लकड़ी मारता है तो उछल कुछल करता है वो बंदर, तो हमारे यहाँ के आमदार भी ऐसे ही करे। दादा मुझे साहब जैसी लकड़ी मार रहे हो वैसी उछल कुछल कर रहे हो, वैसे ही काम कर रहे हो। इस इलाके के लोगों से उनको कोई लेन देन नहीं है, उनको वोट होना सिर्फ वोट। मैं आऊ मेरे हस्ते आऊंगा और मांगू मेरे को वोट दे दो, तुम्हारे रोड का काम हो रहे नहीं हो रहे मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। शहर के अंदर कितने खड्डे है उससे मुझे कोई परवाह नहीं, शहर के अंदर कितनी नशे वाली चीज दिखती है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को माल कहां से मिले मुझे ये सिर्फ बता। उनके पीए को बोल देते पहले से फोन लगा दोगे, पैसा हुआ नहीं बोले अभी तक।
अब जो भी उसका पिया होगा मैं कहता माल जमा करके देता। अब मुझे ये बताओ जब इस रोड को आप लोग ने खुद देखा और आपके इलाके के अंदर दादा भूसे साहब भी आए, यहाँ के एमएलए साहब भी आए और यहाँ के जो अपने आप को समझते हम बहुत भारी लोग है भाई लोग है तो वो भी थे। बड़ी शान और शौकत के साथ इस रोड का इफ्तिताह किया गया, साल भर लगा आपको पता है, लेकिन रोड का काम क्यों नहीं चालू हो रहा ये क्यों नहीं पूछते आप लोग? ये शहर के एमएलए से और यहाँ की जो सफेद रिश्ते है वो इस रोड से गुजरते है तो उनको ये रोड का खत्ता नहीं दिखाई देता, इस रोड जो खराब है उनको नहीं दिखाई देती। अभी आपको ना जाने दीन हदीस की बात बता के मस्जिदों के अंदर बयान करके आपकी रोड हासिल कर लेंगे, लेकिन रोड बने ना बने उनको उससे कोई मतलब नहीं है। शहर के अंदर सब तरफ काम चालू आज, इस इलाके के अंदर मुझे एक भी ऐसी रोड बता दो क्या मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने एक रोड बना के दी? ये मेरे बड़े भाई एजाज बेग की मेहरबानी कि वो अल्लाह के बंदे को अल्लाह अच्छा रखे उसने ये रोड बना के दिया सुलेमानी मस्जिद से लेके आज खानका सर्बिया तक। अरे वो तो एक नंबर भी नहीं है, अरे तुम जो अंधार है आपको सिर्फ उद्घाटन करना आता है, अरे लड्डू खिलाना आता है। मुफ्ती साहब ऐसा समझते है पिक्चरों को ऐसा क्या मैं इधर से कुआरी मारूंगा और चलते रोड बनते रहेगा बड़े वो समझते रोड बन गए उनकी मालूम नहीं है, लेकिन हम शहर के लोगों को ये चीज बताना पड़ेगी क्या मुफ्ती साहब चार बार हो गया आपको हरे लड्डू में भी लोटा खिला तोला गया, आपने यहाँ पे बड़ी आलीशान तुम लोगों ने यहाँ पे जलसा लिया था, इस रोड कहाँ गई? कहीं ऐसा तो नहीं ये पानी की टाकी और मुफ्ती साहब ने आता था बात लिए? असल में यहाँ के लोग ऐसा मैं सुना हूँ, ऐसा मैं सुना हूँ कि यहाँ के लोग बहुत डरते हैं किसी यहाँ के कुछ लोगों से, तो मैं बोलता हूँ डरना उन्हें की जरूरत नहीं, अरे वो दस मारेंगे अपने एक ही मारने का पूरा पानी कर आएगा। पढ़ी नहीं थी अब पढ़ी तो समझ में आई उनके। हाँ तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है यहाँ के जितने भी आई भाई दादा जो भी है डरना उड़ना नहीं, बेरिंग से पूछना भैया बहुत बड़ा जलसा लिया था रोड बनाता क्या, वो दादा से भी पूछना मेरे बड़प्पा से बड़प्पा रोड कब बनी? एक हमारे उधर रहता बोलता है बकरी का डॉक्टर बोलता उसको माया गया बकरी का डॉक्टर बोलता मास्टर बोलता रहा बोले बकरी का डॉक्टर है कहाँ का डॉक्टर है अभी तक किसको एक दौड़ बोली नहीं दी उसने तो बकरी का डॉक्टर है उससे भी पूछना भैया रोड क्यों नहीं बोलने वाला बकरी का डॉक्टर बोलना। और हमारे मुफ्ती साहब भी अगर आपके यहाँ पे अगर कुछ इलाके में अगर आए और कोई प्रोग्राम मिले तो मुफ्ती साहब से पूछो मुफ्ती साहब रोड क्यों नहीं बन रही? साल भर हो गया अब इलेक्शन लगने वाले आचार संहिता लगने वाली है फिर आपको वही जैसा अभी आचार संहिता लगी है आचार संहिता के बाद मेरे काम होगा अब नवा झूठ दे देंगे तुम्हारे को। तो आप लोग गुजारिश करता हूँ आप लोग जाए वही रहो और पुलिस डिपार्टमेंट से फिर एक बार बोल रहा हूँ मैं अगर कारपोरेशन के अधिकारी नहीं आए टेम बता दे रहा हूँ 4:14 हो रहा है मेरे को यहाँ पे 4:35 पे अधिकारी होना ये तो मैं बीच रोड के पर बैठ जाऊंगा 4:35 मैं आपको 21 का टाइम दे रहा हूँ मैं बैठ जाऊंगा वहां वापस से बोल रहा हूँ बैठ जाऊंगा वहां रोड पे और जब तक रोड का काम चालू नहीं होगा जब तक तो मैं उठूंगा नहीं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बार बार विनती कर रहा हूँ मैं रोड के पर बैठ जाऊंगा आपको जो कार्रवाई करना है करो कार्रवाई से हम डरते नहीं हम कायदे में रह के कोई भी काम कायदे में रह के करते और किसी से झूठ फसाद ये सब भी नहीं बोलते। हमारे पास अगर कोई चीज का प्रूफ रहता उसकी बुनियाद पे ही हम लोगों हम बोलते हैं उसके ऊपर प्रूफ की बुनियाद पर। हमको मर्दांगा सियासत आती है मस्जिद और मदरसे की सियासत हम लोगों को नहीं आती। जो इमाम खतीब और इमाम ताहयात मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जामा मस्जिद के ताहयात तक इमाम है यानी अल्लाह का जरा भी उनको डर और खौफ नहीं है। मस्जिद के मिंबर से कल जुमेरात के रोज
दर्स कुरान चल रहा था और दर्स कुरान के अंदर उन्होंने ये कहा कि शेख आसिफ साहब इसके अंदर पार्टनर है, शेख आसिफ साहब के घराने के लोग उसके अंदर पार्टनर है। मैं हल्फिया बयान बोलता हूं, अल्लाह रसूल की कसम, अल्लाह रसूल की कसम, फिर एक बार अल्लाह रसूल की कसम, हमारा एक रुपये का क्या गया, एक दस रुपये का क्या, कई करोड़ रुपये का एक रुपये का भी हिस्सा नहीं है। तो मुफ्ती साहब ने हल्फिया बयान मेंबर पे खड़े रहकर कुरान शरीफ लेके बोलना कि हम लोगों का उसके अंदर पार्टनरशिप है, हम सियासत छोड़ देंगे, पूरा घराना सियासत है, तुम्हारी खिदमत ऐसे ही करेंगे, हमारे को इसे आपको काम हमको आता होता नहीं। असल में मुफ्ती साहब की बगड़ाट यह है ना कि उनको कमीशन नहीं मिला, अंडरग्राउंड गड़वाले से कमीशन नहीं मिला, कमीशन उनकी बगड़ाट यह है, बगड़ाट। और जो हम ये धरना आंदोलन जो दे रहे पूरे शहर के अंदर और जहां जहां काम चालू हो जा रहे, तो उनकी बौखलाहट है ये, वो बौखलाहट के अंदर चिल्लाहट पुकार कर रहे हो। हम जब तक का कारपोरेशन के मैं बार बार बोला, कारपोरेशन को बड़ा अधिकारी आऊंगा, छोटा मोटा अधिकारी नहीं चलेगा, बड़ा अधिकारी यहां आना ना, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं मैं आपको।